जी आई टेक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला जी आई टैग है वो है मीजो पुआन चेई। क्या? मीजो पुआन चेई। आपको नेम याद रख लेना है बिकॉज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अगर पीटी में पूछा जाएगा तो पूछ लिया जाएगा कि किसे जी आई टैग मिला हुआ है। तो मीजो पुआन चेई एक प्रकार का प्रोडक्ट है। इसे किस क्षेत्र से मिला है? हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र से मिला है। किस जगह, कहाँ ये जो क्षेत्र है? मिजोरम एक स्टेट है। तो यहाँ पे अगर हम मीजो पुआन चेई की बात करें तो ये एक प्रकार का रंगीन मीजो सॉल होता है या फिर वस्त्र होता है। सॉल आप ये इमेज में जो देख पा रहे हैं, जिसे मीजो वस्त्र में हम देखते हैं कि सबसे रंगीन वस्त्र माना जाता है। ये जो मीजो जो शॉल होता है ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा रंगीन होता है, और साथ ही में मिजोरम में मनाए जाने वाले उत्सव के दौरान नृत्य और औपचारिक समारोह में हमें ज़्यादातर ये वस्त्र देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है गुलबर्गा तुर दाल। गुलबर्गा तुर दाल की अगर हम बात करें तो इसे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मिला हुआ है और कर्नाटका में। अगर आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो करते हैं तो इसके बारे में आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा। द हिंदू में जब जी आई टैग मिला था तो इसके बारे में भी खबर छपी थी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है तिरूर बेतल लीफ। इसे तिरूर वैटिला के नाम से भी जाना जाता है। ये आप लोग इमेज यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये इमेज। इसे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मिला हुआ है। किस स्टेट को मिला हुआ है? केरला। आपको कैटेगरी भी याद रखनी है, प्रोडक्ट भी याद रखना है, इवन कहाँ से मिला है। सबसे बड़ी बात, यूपीएससी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके अलावा स्टेट पीसीएस के लिए तो भर भर के इम्पॉर्टेंट है, मान के चलिए आप। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है खोला चिली। इसे जो मिला हुआ है एग्रीकल्चर से मिला हुआ है। और जो खोला चिली है ये हमारे गोवा में पाई जाती है, गोवा से तो आप सभी लोग परिचित होंगे। उसके अलावा आ जाता है ईदू मुशमी टेक्सटाइल। इसे हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र से मिला हुआ है। ये जो टेक्सटाइल हम देखते हैं ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश के लोगों के द्वारा बनाई जाती है। जो ईदू मुशमी टेक्सटाइल है ये आप इमेज आप देख पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इस साल इसे जी आई टैग भी मिला है। उसके बाद थाले को भी मिला हुआ है। थाले का मतलब है डिंडीगुल लॉक। ये मैन्युफैक्चर्ड के क्षेत्र में मिला हुआ है। इसका इस्तेमाल किया जाता है, बनाया जाता है। ताला तो हर किसी के घर में मिल जाएगा। तमिलनाडु से बिलोंग करता है, तमिलनाडु इसका स्टेट है। उसके बाद इसे मिला हुआ श्री विली पुत्तूर पालकोवा फूड स्टफ के क्षेत्र से, जो हमारे खाने वगैरह की वेराइटीज़ होती हैं उस क्षेत्र से मिला हुआ है। इसे जी आई टैग तमिलनाडु में मिला हुआ है। उसके बाद आ जाता है कांजी नेमू एग्रीकल्चर के क्षेत्र से असम में। ये एक प्रकार का फूड टाइप होता है जो काजी नेमू है। आप लोग इमेजेस यहाँ पे साइड में देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये इमेजेस हैं इसकी। ग्रीन कलर का ये होता है जो कांजी नेमू है। इसे भी जी आई टैग मिला हुआ है। ये सारे जो जी आई टैग हैं चर्चा में थे, न्यूज़ में थे, बिकॉज इन्हें इस समय मिला हुआ है और कई किसी ना किसी क्षेत्र से मिला हुआ है जितने भी जी आई टैग हैं। तो आप मान के चलिए कि आपके 5 मिनट के वीडियो में सारे जी आई टैग कवर हो जाएंगे, जो आपके स्टेट पीसीएस या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देख लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम को आप देते हैं तो जी आई टैग जो हैं ये आपके सारे इम्पॉर्टेंट हैं। और इनके बारे में अगर कभी वो हुआ तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में भी बात कर लेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं कि किन्हें किन्हें मिला हुआ है। तो सोहराई खोबर है, ये हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में झारखंड में। ये आप इमेज देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन में। उसके बाद है तेलिया रुमाल, ये एक प्रकार का हैंकी टाइप है जिसे हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र से मिला है। ये साड़ी टाइप आपको इमेज में देख पा रहे हैं, लेकिन इसका जो नेम है वो है तेलिया रुमाल। इसे रुमाल वैसे ये साड़ी टाइप होता है जो कि तेलंगाना में मिला हुआ है। कश्मीरी सैफ्रॉन, केसर के बारे में तो आप सभी लोग परिचित होंगे, और कश्मीरी सैफ्रॉन तो जो केसर होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी भी मिलती है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मिला है। शहर स्टेट जो है वो हमारा कश्मीर है, नेम से ही पता चल रहा है कश्मीरी सैफ्रॉन। तो आपसे कभी कभी कैटेगरी भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा, प्रोडक्ट भी पूछ लिया जाएगा, साथ ही में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कश्मीरी केसर निम्न में से किन
क्षेत्रों को मिला है या किसे मिला है, तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र से पूछ सकता है, हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र से ऑप्शन दे सकता है। उसके बाद और भी फूड स्टफ क्षेत्र, ज़्यादातर अगर हम देखें तो हमारे पास 3 से 4 वेराइटीज़ निकल कर आती हैं, जिन्हें इस साल कैटेगरी निकल कर आती हैं, जिन्हें दिया गया। एग्रीकल्चर निकल कर आता है, फूड स्टफ निकल कर आता है, और हैंडीक्राफ्ट निकल कर आता है। नेक्स्ट जो है ये है गोरखपुर टेराकोटा। ये एक इमेज दिख पा रही है आप लोगों को, ये एक प्रकार का हैंडीक्राफ्ट है जो कि यूपी में है। यूपी को भी जीआई टैग मिला है। यूपी वाले तो हमारे जो फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो काफ़ी खुश हो जाएंगे। उसके बाद है कोविल पट्टी कडलई मिट्टई, इसे फूड स्टफ के क्षेत्र से मिला हुआ है तमिलनाडु। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है सिरसी सुपारी फूड स्टफ के क्षेत्र से मिला हुआ है। उसके अलावा कर्नाटका क्षेत्र जो है वो कर्नाटका है। ब्लैक राइस, इसे चाक हाउ भी कहा जाता है, कैटेगरी जो है एग्रीकल्चर, मणिपुर को मिला हुआ है। ब्लैक राइस जो था बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, कोशिश करेंगे एक वीडियो इसमें ब्लैक राइस में अलग से प्रोवाइड करवाने की, क्योंकि ब्लैक राइस जो था बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ से इसमें जो न्यू चीज़ें कोशिश कर इन्वेंट करने की कोशिश की जा रही थी, साथ ही में से जीआई टैग भी अभी मिला हुआ है। ये जो टॉपिक है ये हमारे इम्पॉर्टेंट हो जाता है बायोटेक के लिए, तो इसलिए इसके बारे में हम अलग से बात कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है कानदांगी साड़ी, हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में मिला हुआ है तमिलनाडु। यहाँ की अगर इस तरफ के क्षेत्र की हम तमिलनाडु तरफ के क्षेत्र की बात करते हैं, तो यहाँ की साड़ी, वैसे साड़ियों में अगर कोई भी साड़ी के आप नाम लीजिए तो सबसे पहले तो सभी के मुंह में जो नेम आता है वो आता है बनारसी साड़ियों का, लेकिन इन्हें भी तमिलनाडु की ये जो साड़ी है कॉटन की रहती है, इसे मिला हुआ है जीआई टैग इस साल 2020 में। ये सारे जो हम जीआई टैग की बात करें, ये 2020 की बात करें, जो 2020 में ये जीआई टैग मिले हुए हैं, सारे हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कंदमल हल्दी जो है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मिला हुआ है उड़ीसा। ये हल्दी देख पा रहे हैं आप लोग इमेजेस में। उसके अलावा हल्दी जो है इसके काफ़ी सारे औषधीय गुण भी होते हैं, हल्दी की बात करें। उसके अलावा और भी इसे उसमें यूज़ किया जाता है। उसके बाद उड़ीसा के रसगुल्ला को भी मिला हुआ है, फूड स्टफ कैटेगरी है। नेक्स्ट आ जाता है कदाई कनाल मनाई मलाई पोंडनू। बहुत सारे नेम जो हैं आप लोगों ने हो सकता है पहली बार भी सुना हो, एग्रीकल्चर के क्षेत्र से मिला हुआ है इसे। ये एक प्रकार की फसल होती है जैसे लोग खाते हैं। उसके अलावा पाउंडुम जो है मिजोरम में हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में मिला हुआ है। उसके बाद नगोटेक्कर, इसे हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में मिजोरम में मिला हुआ है। उसके बाद आ जाता है हमाराम, हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में कैटेगरी जो है हैंडीक्राफ्ट है, मिजोरम को मिला हुआ है। मिजोरम से ही एक और भी मिला हुआ है तावला लुहान, हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र से। ये यहाँ पे हम देखते हैं कि हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में इसे मिला हुआ है। उसके बाद आ जाता है पलानी पंचामृतम, फूड स्टफ के क्षेत्र से तमिलनाडु। देखिए इस वीडियो में मैंने जो बार बार फूड स्टफ़ बोला है, फूड स्टफ़ का मतलब होता है कि खाद्य सामग्री, एंड हैंडीक्राफ्ट जो होता है, हैंडीक्राफ्ट का मीनिंग होता है हिंदी में हस्तशिल्प। उसके बाद जो तवला लोहान, ये सारे नेम थे, तो नेम जो हैं वो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम ही रहते हैं। उसके अलावा जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंग्लिश में ऑलरेडी स्लाइड्स लगी हुई है, वो कर सकते हैं, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैंने बता दिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। राम आईएएस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए नोटिफिकेशंस के लिए। बाय बाय, मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।